हजरत अली करम अल्लाह वजहु हजरत फातिमा से शादी हुई, हुई ना, जोर से बोलो हुई। जब शादी हुई तो हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अल्लाहु अकबर, पूछा हजरत अली से, अली वो पैसे पूछे भी है नहीं, तेरी जो शादी होने चली है वो खर्चा भी है ही, शादियां से खर्चा होता है, वो पैसे है नहीं, विलायत का शहनशाह हजरत अली, फक्र गिना का बादशाह हजरत अली, कि जिनके घर में रोटी पकी भी सही रोजे की हालत में इफ्तारी के लिए, खातून जन्नत हजरत फातिमा रोटी पका रही, कि दरवाजे पे किसी भूखे ने कहा रोटी चाहिए, तो हजरत हसन से कहा कि बेटा जाओ मेरे हिस्से की रोटी उठाकर गरीब को, अब्बा रोजा है फरमा पानी से खोल लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहता कि अली के दरवाजे से पकी खाली चला। हजरत हसन ने रोटी उठाई अब्बा की फकीर को देने के लिए, हजरत फातिमा ने कहा बेटा सबर करो, दूसरी रोटी पक जाए मेरे हिस्से की भी ले जाओ, मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे साहिल आया रोटी नहीं मिली। हजरत हसन रुक गए, खातून जन्नत के हाथों की दोनों पकी हुई रोटियां लेके चलने लगे, मासूम हुसैन बोल उठे ए भैया अम्मा अब्बा की तो रोटी ले चले, रुक जाओ मेरे हिस्से की भी ले जाओ, ताकि दुनिया यूं ना कहे कि हुसैन के नवासे ने अपने हिस्से की रोटी ना दी। वो भी पकी, हजरत हसन ने अपने हिस्से की भी उठाई रोटियां ले गए, चारों ने पानी से रोजा खोला। शाम को जिब्रील अमीन आए मेरे पाक नबी की खिदमत में, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अली को सलाम कहते हैं, अल्लाह फातिमा को सलाम कहते हैं, अल्लाह हसन हुसैन को सलाम कहते हैं। अल्लाह के नबी हैरान होकर पूछते हैं जिब्रील क्या बात हुई कि आज आसमान से मेरी फातिमा को सलाम आ रहे हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आज खैरात का वो नमूना इस घर ने पेश किया कि शायद कयामत तक कोई घर पेश न कर सके। फक्रो गिला का वो शहंशाह हजरत अली, हुजूर पूछते हैं अली फातिमा से शादी है पैसे है, अर्ज की अल्लाह के नबी मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो जमा करो कुछ तो ले आओ। अल्लाह के नबी मेरे पास तो आप जानते हैं तन पे कपड़े भी फटे हुए होते हैं, मैं अली तो जमा करने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि मौत पर ईमान हूँ यकीन रखता हूँ कब मर जाऊं। आप खुद कहते हो जमा ना करो तो मैं जमा कैसे करूं। अल्लाह के नबी ने पूछा घर में कोई चीज है ऐसी जिसे बेचा जाए। अर्ज की अल्लाह के नबी दो चीजें हैं, एक तलवार है जिससे मैं काफरों की गर्दनें काटता हूँ, दूसरी मेरे पास जिरह है जो जिस्म पर पहनकर लड़ता हूँ कि अपनी जान को बचा लूँ। आप हुक्म कर दें तो मैं दोनों को बेच देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं अली तेरी तलवार को अल्लाह जिंदा रखे, मैं नहीं चाहता तेरी तलवार को बेचा जाए। अच्छा यूं करो अपनी उस जिरह को बाजार में ले जाओ बेचो, शादी का खर्चा जमा करो, फातिमा का हक महर जमा करो, इसलिए कि मेरी शरीयत के अंदर मेरे दीन के अंदर मेरे कानून के अंदर हक महर के बगैर शादी नहीं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया वालों के लिए नमूना बन जाए। हजरत अली घर आए जिरे उठाई मदीने के बाजार के चौक में खड़े हैं, ए लोगो जिरे ले लो जिरे ले लो। लोग जमा हो गए अली क्या बेच रहा है, हजरत उस्मान गनी आवाज सुनते हुए दौड़े हुए आए, ए मेरे अली भाई क्या बेच रहे हो। कहा जिरे बेच रहा हूँ। क्यों बेच रहे हो। फरमाया शादी के लिए खर्चा नहीं। जिरे कितने की है। कहा 600 दिरहम की। फरमाया अच्छा ये 600 ले लो।
जिरे मुझे दे दो। हजरत अली ने 600 गिना जेब में डाला, जिरे बेची हजरत उस्मान ने ले ली। हजरत अली जब पैसे जेब में डाल के चलने लगे, हजरत उस्मान ने कहा, ओ मेरे भाई अली खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, कहा तुमने जिरे बेची? कहा बेची। कहा मैंने खरीदी? उन्होंने कहा तुमने खरीदी? हजरत उस्मान कहने लगे, अब मेरी बात सुनो, 600 भी तुम्हारा, अब ये जिरे मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, इसलिए कि तू मैदान का सिपाही है, जहाँ तेरी तलवार बचनी चाहिए तेरी जान भी बचनी चाहिए, जिरे ले जाओ। अल्लाह के नबी की खिदमत में हजरत अली आए, 600 दिरहम दिखाया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अली कहाँ से लाए? अल्लाह के नबी, जिरे बेची। अल्लाह के नबी ने कहा, जिरे तो तेरे हाथों में मौजूद है, बेची कैसे? वाकया सुनाया, किस्सा सुनाया। अल्लाह के नबी, यूं हुआ, उस्मान आए, ये बात हुई। मुहद्दिसीन ने लिखा, मुहर्रिकीन ने लिखा, अल्लाह के नबी ने मुसल्ले पे सजदे में सर रखा और यूं दुआ मांगी, है अल्लाह उस्मान के घर वालों पर रहम कर कि आज उस्मान ने मेरी बेटी की शादी की लाज रख ली, मेरी बेटी की इज्जत रख ली। अल्लाह मेरे बहते हुए आंसुओं की लाज रख ले। क्या अब तक मेरे मुंह उस्मान के घर वालों को कभी रुसवा न करना। 600 दिरहम अल्लाह के नबी के हाथ में आए, फरमाया जाओ मेरे अबू बकर को बुलाओ। अबू बकर आए, मेरे उमर को बुलाओ। उमर को बुलाया गया, अल्लाह के नबी ने चुनकर 400 दिरहम गिन कर दिए। अल्लाह के नबी, क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ मदीने के बाजार में मेरी फातिमा के लिए जहेज खरीदो, शादी होनी है, घर का सामान खरीद। हाय हाय मैं सोचता रहा, अल्लाह के नबी बाजार खुद क्यों नहीं गए? अल्लाह के नबी ने औरतों को क्यों नहीं कहा खरीदारी करके आओ? अल्लाह के नबी ने हजरत अली को क्यों नहीं कहा जहेज खरीद के आओ? अल्लाह के नबी ने अबू बकर को बुलाया, अल्लाह के नबी ने उमर को बुलाया, जहेज खरीद के आओ। हाय हाय जब सोचा गया तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह के नबी ने खुद नहीं बुलाया, आसमान वाले ने कहा बुला। अल्लाह जी क्यों बुलाऊं? काहे मेरा नबी, एक जमाना आएगा लोग कहेंगे अबू बकर अली का दुश्मन था, लोग कहेंगे उमर अली का दुश्मन था, लोग कहेंगे अबू बकर फातिमा का दुश्मन था, लोग कहेंगे उमर फातिमा का दुश्मन था, लोग कहेंगे अबू बकर और उमर ऊपर ऊपर से मुसलमान थे, अंदर से मुसलमान नहीं। आज मैं अपने घर की बेटी की शादी का सामान अबू बकर और उमर के हाथों से मंगवा कर कयामत तक आने वाली उम्मत को बताना चाहता हूँ, लोगों मोहम्मद को इन पर एतबार है, तुम भी एतबार करना। आज अगर तेरी बेटी की जहेज का सामान कोई खरीदने जाए तो एतबार करता है, तो उसके हाथ में पैसा देता है, वो खरीद के लाता है। और फिर अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया, अबू बकर मैं यूं नहीं कहता फलां चीज लाना, उमर फलां चीज लाना, बल्कि मैं कहता हूँ जो तुम्हें पसंद आए वो लाना, जो तुम्हें पसंद आए वो लाना। अल्लाह फरमाना चाहते कयामत तक आने वाले मेरे महबूब की उम्मत के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो पसंद अबू बकर की वही पसंद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो पसंद उमर की वही पसंद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम की। इन दोनों की जब शादी का दिन आया, ओ दोस्तों मुसलमानों सुनो, शादी कब हुई इन दोनों की? मुहर्रम की 23 तारीख थी। कब थी? मुहर्रम की 23 तारीख थी, शाम के वक्त अल्लाह के नबी ने निकाह किया, खुतबा निकाह का अल्लाह के नबी ने खुद पढ़ा। हाय हाय तुम्हें बताता चलूं, फातिमा और अली के निकाह के गवाह और कोई नहीं था। अल्लाह की कसम है, जब हदीस की किताबों में गवाहों के दस्तखत देखे, एक जगह अबू बकर का नाम है, दूसरी जगह उमर का नाम है, इन दोनों की शादी का गवाह भी अबू बकर और उमर है। अल्लाह बताना चाहते हैं, अल्लाह के नबी इनको गवाह बनाकर कयामत तक आने वाली उम्मत को बताना चाहते हैं, सुनो अगर गवाह झूठे तो मुकदमा झूठा, अगर गवाह सच्चे तो मुकदमा सच्चा, अगर गवाह गलत तो ये शादी गलत, अगर गवाह सच्चे ये शादी सच्ची, अगर गवाह गलत झूठे हैं तो शादी गलत। मैं कयामत तक आने वाले लोगों को इन दोनों को गवाह बनाकर दिखाना चाहता हूँ
कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इन दोनों पर इतना एतबार था, तुम भी एतबार करो कि फातिमा की शादी के गवाह भी यही दोनों हैं। गवाह भी ये दोनों, मुहर्रम की 23 तारीख को दोनों की शादी, और ये शादी भी कोई आम शादी नहीं। एक तरफ वो औरत है जो जन्नत की औरतों की सरदार है, एक तरफ वो औरत है कि जिसके जनाजे पर भी किसी आदमी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी, एक तरफ वो औरत है कि जिसके सर से एक दफा चादर सिरक गई तो दुनिया में अंधेरा छा गया, सूरज ना निकला। क्यों अल्लाह, मुझे शर्म आती है मोहम्मद की बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं। और दूसरी तरफ दूल्हा वो अली है कि जिन्होंने दम कदम एक एक कदम पर अल्लाह के नबी के दीन की नुसरत की, हर मैदान के अंदर बहादुरी और शुजात के जौहर दिखाए, जिनकी औलाद को अल्लाह के नबी ने कहा ये जन्नतियों की सरदार है। 23 मुहर्रम को कब हुई?